Hello, I am Usha Barwale Zair. हेलो, मैं हूँ उषा बरवाले जहर। मैं अपने पूरे जीवन खेती के साथ जुड़ी रही हूँ। मैंने अप्लाइड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट जैसे बहुत से क्षेत्रों में काम किया है जो खेती से जुड़े हुए हैं। मैंने मेक्सिको में कई साल काम किया है। मेरा ध्यान सस्टेनेबिलिटी पर रहा है खेती में, ताकि छोटे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और भारत में भी। मेरा ज्यादातर काम इस दिशा में रहा है कि छोटे स्तर के किसान कैसे कैसे छोटी जमीनों से अधिक फायदा उठा सकें और हमें हमें खुराक दे सकें, हमारा पेट भर सकें, देश की और दुनिया की बड़ी आबादी का पेट भर सकें। इस सिलसिले में एप्लीकेशन ऑफ साइंस बहुत जरूरी है। मेरे पिता बचपन से ही मेरे रोल मॉडल रहे। वो हमें साइंस में लेटेस्ट चीजों के बारे में बताया करते थे। इसका मेरे दिमाग पर स्थायी असर पड़ा है। जब मैं ये सोचती हूँ कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें, कैसे महिलाओं को सपोर्ट करें अलग अलग संदर्भों में, कि वो कैटलिस्ट ऑफ चेंज बन सकें, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे से सीखना बहुत अहमियत रखता है। लेकिन प्रोफेशनली मैंने ये पाया है कि हम सभी इतने बिजी हो जाते हैं कि इन गतिविधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और ये हमारे लिए चुनौती बन जाता है। पर हम इसे कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि हमारी आपस में औपचारिक एंगेजमेंट्स होती रहें, अपने साथियों के साथ हम बातचीत करते रहें, हमारे फील्ड की जो एकेडमिक चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाएं। इसके लिए हम ग्रुप बना सकते हैं और फॉर्मल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इनका बहुत महत्व है, उन्हें अमल में ला सकते हैं जिससे हम हिस्सेदारी कर सकें। धन्यवाद। प्लीज जॉइन आवर नेक्स्ट सेमिनार इन द कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज ऑन नवंबर 7। वेलकम टू द कैटलिस्ट ऑफ चेंज वीमेन लीडर्स। कैटलिस्ट ऑफ चेंज में आपका स्वागत है। विमेन लीडर्स इन साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। ये स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। इस इंटरप्रिटेशन को हासिल करने के लिए आप नीचे मौजूद ट्रांसलेशन बटन से भाषा चुन सकते हैं। आप इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर QR कोड नजर आएगा जिससे आपको स्लाइडो तक पहुंच हासिल होगी। इससे आप Q&A सेशन में सवाल पूछ सकते हैं। आज उषा बरवाले जी आपके सामने हैं। उषा जी का इंटरव्यू लेंगी अपर्णा दास। अपर्णा एक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर हैं सिमिट में और एक विमेन इन क्रॉप साइंस की एक सदस्य हैं। अब मैं डॉक्टर ब्रैम गवर्ट्स का स्वागत करूंगी जो सिमिट के DG हैं, कि वे हमारे आज के वक्ता का स्वागत करें। डॉक्टर ब्रैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये इस पर निर्भर करता है कि दुनिया में आप कहाँ हैं। आज हमारा 7वां वेबिनार है कैटलिस्ट ऑफ चेंज का, विमेन लीडर्स इन साइंस का। हम इस सीरीज का इसलिए आयोजन कर रहे हैं ताकि और ज्यादा विमेन लीडर्स को साइंस के दायरे में ला सकें। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो युवा प्रतिभा है उसको सामने लाया जा सके, और आज हमारे सामने एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। इस सेमिनार में हम उन महिलाओं को हाईलाइट करते हैं जो साइंस के फील्ड में बहुत कुछ कर रही हैं, जिनका ये मानना है कि लीडरशिप कई रूपों में हो सकती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सोशल एंडेवर हो या फैमिली हो। आज उषा बरवाले आज हमारी
गेस्ट स्पीकर हैं। उषा महिको से जुड़ी हुई हैं। वे 20 साल से नई टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करती आई हैं ताकि कृषि को और बेहतर बनाया जा सके। वे डायरेक्टर बरवाली फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं, जो मुनाफा न कमाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपने अफ्रीका में हरित क्रांति लाने में भी काफी मदद की है। आपने अपने काम में विकसित देशों में उभरती हुई टेक्नोलॉजी को शामिल करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप टिश्यू कल्चर और ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं इलिनॉय यूनिवर्सिटी में। आपने सॉयल जनरेशन के क्षेत्र में भी काम किया है और जेनेटिसिस्ट्स के तौर पे भी अपना योगदान दिया है। आप बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी जोर दे रही हैं, फोकस है आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिन फसलों पर काम करती रही हैं 2012 में, आज सिमेट उनमें से कई पर काफी आगे काम कर रहा है। उषा जी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस लीडर ही नहीं है, बल्कि वे बदलाव की भी एक बहुत बड़ी पैरोकार हैं, न सिर्फ अपने देश में और दुनिया में बल्कि और बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में। उषा जी, अब मंच आपका है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वेरी वेरी काइंड इंट्रोडक्शन, इस बहुत ही शानदार परिचय के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपका और जेनी का शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं सिमिट के साथ बहुत साल तक जुड़ी रही हूँ, केवल वार्ड मेंबर के तौर पर अपने काल में ही नहीं, बल्कि मैं सिमिट में आया करती थी अपने पिताजी के साथ जब मैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। तो सिमेट के साथ मेरा बहुत यादगार जुड़ाव रहा है, साथ रहा है, और आज भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जेनी ने मुझे कहा कि आप अपने काम के बारे में ज्यादा बात करने के बजाय अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में अपने विचारों को बताएं, तो मैं आपके साथ कुछ तस्वीरों को शेयर करना चाहूंगी जो ये सुरखरू करेंगे कि मेरी प्रोफेशनल जर्नी कैसे आगे बढ़ी है और क्या सबक मैंने सीखे हैं। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं कृषि के साथ पूरे जीवन जुड़ी रही हूं, और जब पूरे जीवन से मेरा मतलब है कि मैं जब से पैदा हुई थी तभी से आज तक, क्योंकि मैं एक कृषि परिवार में पैदा हुई थी। बचपन से ही मैंने अपने पिता को भारत में सीड बिजनेस कायम करते देखा, और जब मैं कृषि के बारे में सोचती हूँ तो किसान हमारे घर आया करते थे ताकि बेहतर क्वालिटी वाले बीज खरीद सकें। इससे मुझे उनकी याद आती है, इससे मुझे भारत की खेती की याद आती है जो एक कृषि समाज है। तो वैसे आप इन संख्याओं से वाकिफ होंगे, और देश की काफी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। मैं हरित क्रांति के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। ये कृषि के साथ मेरा पहला साथ था, क्योंकि ये वो समय था जब मेरे पिता बीज कंपनी बना रहे थे। तब गेहूं और चावल पर ही नहीं, सोरगम और मिलेट पर भी ध्यान था, क्योंकि हम देश के केंद्रीय हिस्से में रहते थे। मैं बचपन में बस अपने पिताजी को देखा करती थी जो बहुत सारे
सेमिनार्स में हिस्सा लेते थे कि कैसे भारत में कृषि को बेहतर बनाया जा सके, तब भारत में आहार की काफी कमी होती थी। तो जब मैं सोचती हूँ कि अब तक देश में हरित क्रांति में क्या कुछ हासिल किया जा चुका है, या और बहुत सी और तकनीकें हासिल की गई हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि कृषि को सुधारने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी ने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत कुछ किया है। मैंने जैसे बताया कि अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला लिया। मेरे लिए सोयाबीन एक मुश्किल चीज थी, उसका टिश्यू कल्चर था, रीजनरेशन पर ज्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन कामयाब, और वो कामयाब भी नहीं हुआ था। तो जब मैं अपने एडवाइजर के बारे में सोचती हूँ जो इलिनॉय यूनिवर्सिटी में थे, तो वो काफी टास्क मास्टर थे, लेकिन बहुत ही अच्छे टास्क मास्टर थे, और जो स्टूडेंट्स अपना करियर बेहतर बनाना चाहते थे उनकी बहुत मदद करते थे। वो कहते थे कि आप एक हफ्ते में 60 घंटे लैब में बिताएं, ये सब क्लासेस के अलावा था। वो हमें बताते थे कि लैब में कैसे काम करना है, और हमारी जिंदगी ही लैब के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और सोयाबीन प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ बताया। आज जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ, देखती हूँ, तो पूरी दुनिया में ही अब इस पर एक समान रूप से काम हो रहा है। जब मैं इलिनॉय की यूनिवर्सिटी गई, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मैं 5 लड़कियों में सबसे छोटी थी। मैं एक मारवाड़ी, राजस्थान की मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, जो बहुत ही काफी सीमित और दकियानुसी परिवार होते हैं। मैं एक 20 साल की लड़की थी, और मैं तब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गई जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, गिने चुने दोस्त थे, कोई सपोर्ट नहीं थी। मेरे पिता ने, मेरे माता पिता ने मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने मुझे अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा। My professional journey to a great extent, and so that's why I chose these images to share with you today. In tasveeron ka meri professional yatra se bada ahmiyat rahi hai, isliye maine inhe chuna. Fir main Bharat wapas aa gayi. Humne jo shuruaati project par kaam kiya wo tha BT cotton. Isne krishi ki shakal badal kar rakh di hai. मेरे लिए जो प्रमुख मुद्दा रहा वो साइंस पर आधारित था, हैंड्स ऑन रिसर्च पर आधारित था, जब हमने बीटी कॉटन के क्षेत्र में काम किया। जब रेगुलेटरी प्रोसेस आगे बढ़ा, तो मेरे लिए इस प्रोसेस में शामिल होना बहुत जरूरी हो गया कि मैं रेगुलेटर से विज्ञान के बारे में बात करूं और उन्हें ये बताऊं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। ये एक बहुत ही चुनौती भरा समय था, मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते थे। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना आसान नहीं होता है। मैं जब भी दिल्ली जाती थी किसी रेगुलेटर या साइंटिस्ट से बात करने कि क्या सवाल और चुनौतियां रही हैं, तो आपके दिमाग में पूरी अनिश्चितता होती है कि इसका नतीजा क्या रहेगा, आपका सफर का परिणाम क्या निकलेगा। ये मेरे लिए बड़े चुनौती भरे साल थे, क्योंकि ये भारत की इकलौती ऐसी फसल है जिसे अप्रूवल मिला है।
अब तो बीटी कॉटन देश के 95 प्रतिशत हिस्से में कपास वाले हिस्से में उगाई जाती है। इसे किसी भी टेक्नोलॉजी का सबसे तेजी से अपनाया गया रूप कहा जा सकता है। जहां तक किसी नई टेक्नोलॉजी से जुड़े नियंत्रण की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे मौकों के साथ अवसर तो होते ही हैं, बंधन भी होते हैं, लेकिन अवसर भी होते हैं। बंगाल में अपनी फसल को कीड़ों से रोकने के लिए किसान 74 बार स्प्रे किया करते थे, लेकिन कीटनाशकों की इस नई टेक्नोलॉजी को बांग्लादेश में तो अप्रूव किया जा सका है, जा चुका है, लेकिन भारत में अभी इसे अप्रूव करना बाकी है। हमें आज तक भारत में इसको लेकर स्वीकृति नहीं मिली है और इस बात से हमें बड़ी हताशा होती है, हालांकि हमारी ये उपलब्धि बहुत ही अच्छी रही है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हर दिन नया दिन होता है और भारत सही टेक्नोलॉजी को अपनाने में किसी न किसी समय अपनाएगा। यही वो समय था जब मैं सिमेट के बोर्ड पर थी। ये एक प्रयोग था जिसे किया जा रहा था और बहुत से प्रयोगों की तरह जो सीजी सिस्टम से जुड़े थे। इन दोनों सेंटर्स का मैंडेट इतना मिलता जुलता था कि जॉइंट मेंबर्स से हमें अपने काम में सुविधा मिल सकती थी। मैं और इवा माथोसान जॉइंट वार्ड मेंबर्स थे। हमारा जोश भी एक सा ही था, लेकिन जब हम बोर्ड में आए तो दोनों के ही चीफ्स चेंज हो चुके थे, बदल गए थे। तो ये मेरे जीवन के कुछ अनुभव हैं जो बताती हैं कि सिस्टम में काफी पेचीदगियां मौजूद होती हैं। एक वार्ड मेंबर के तौर पर बीते सालों के दौरान मेरा जो अनुभव रहा वार्ड मेंबर के तौर पर, उसमें एक चुनौती ये थी, और शायद ये इकलौती चुनौती थी, जो मेरे लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी। मैं एक बोर्ड मीटिंग में थी, सिमिट बोर्ड मीटिंग में नहीं, और बोर्ड में स्ट्रेटेजिक रिव्यू प्रोसेस चल रहा था। इस प्रोसेस के दौरान 2 दिन की वर्कशॉप चल रही थी। Came from different disciplines, from different agencies, including very senior government officials. And the facilitator for the discussion asked if I could lead one of the smaller groups of 6-7 people in the conversation. And he had given us 3 questions, and we were to respond to those 3 questions after discussion within 10 minutes. We started the conversation. The conversation was going well, and then I had a dilemma trying to get to the second question, because we were still on first question and we were 6 minutes into the conversation. So I, being not too diplomatic, sort of interrupted a comment which was being made by one of very senior government officials from India. That did not go over well. Would be a mild statement, I would say. And so this was the only time where I felt ये इकलौता ऐसा समय था
जब मुझे प्रोफेशनली ये महसूस हुआ कि मैं खुलकर काम नहीं कर रही थी, मुश्किल में फंस गई थी और उस कंपनी के हितों का ध्यान नहीं रख पा रही थी जिसमें मैं काम करती थी, क्योंकि कंपनी को कई खेती के क्षेत्र में कई अप्रूवल्स की जरूरत थी। तो ये दिन मेरे लिए काफी चुनौती भरा रहा कि मैं ये समझ सकूं कि मैं जो कुछ भी कि मैं इस समस्या को हल करने के लिए क्या करूं। मैं जिस शशोपंज में फंस गई थी उसको कैसे सुलझाऊं, ये कोई गलती नहीं थी। मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो मैंने अपने पिता को फोन किया और मैंने उन्हें ये बात बताई कि क्या हुआ था। जब मैंने उन्हें सारी बात बता दी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनसिविलाइज थी या रूड थी। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या तुमने क्या कुछ ऐसा कहा जो ठीक ना हो। मैंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जाकर माफी मांगूं, हालांकि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो मैं आज तक उस बात को याद रखती हूँ, पर मैं गई और मैंने माफी मांगी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो गलती मेरी गलती थी या नहीं, पर मुझे लगा कि शायद मुझे इस बातचीत का डिप्लोमेटिक हिस्सा मुझे पता होना चाहिए था, तो मैंने जाकर माफी मांगी। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं बहुत बहुत तरीकों से बड़ी भाग्यशाली रही हूँ that I have received. मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ उसके लिए मुझे जो सपोर्ट मिली मेरे परिवार से, मेरे सलाहकारों से, यूनिवर्सिटी के एडवाइजर से, मैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की एक CGIAR की सदस्य थी, उस समिति ने भी मेरी मदद की। मेरे पास दो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, वो ये दोनों ही साइड के थे, उनमें से एक हमारे चेयरमैन थे। मैं जब भी सवाल उठाती थी तो वो कहते थे कि मुझे पता नहीं कि आप क्या पूछेंगी। मेरे लिए ये अवसर बहुत बड़ा रहा क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली। मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि अगर आज कुछ बुरा हुआ है तो उसे भूल जाओ, कल फिर कुछ बेहतर होगा। और मैं इस चीज में गहरा विश्वास रखती हूँ कि ऐसा कोई खराब दिन आपको उदास ना करे। इसके अलावा मैंने कृषि में बहुत सारे विषयों पर काम किया है। मैंने शुरुआत की थी प्लांट टिश्यू कल्चर से, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर मैंने टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट पर काम किया, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया और अब मैं पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में हूँ। आज भी मेरे ज्ञान का ये दायरा फैलता ही जा रहा है। हालांकि हमारा समय अब खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बहुत संक्षेप में बात करूंगी।
पिछले 5 साल में मैंने एक हमने एक कंपनी बनाई है जिसमें हमारा फोकस छोटे किसानों पर है। इसके तहत हम प्योर साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों से एकदम अलग क्षेत्रों की तरफ बदलाव का मकसद है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कार्बन हमारी कैसे नई क्रैश कैश क्रॉप हो सकती है जो हमारे छोटे किसानों की मदद करेगी। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं बस एक ही स्लाइड आपको दिखाऊंगी। मैं अपना बताना चाहूंगी कि ग्रो इंडिगो को क्यों कायम किया गया। कृषि का भविष्य कैसा होना चाहिए? लो कार्बन राइस एयर पोल्यूशन को घटा सकता है, जीएचजी एमिशंस को घटा सकता है, पानी बचा सकता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और मुझसे मेरे प्रोफेशनल जर्नी के बारे में पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। उषा जी शुक्रिया, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपसे आपके सफर के बारे में सुनकर बहुत प्रेरणा मिली, खासकर आपने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है जब कृषि में क्रांति आ रही थी। ऐसे में जब बदलाव आते हैं तो उसमें विमेन लीडर्स का क्या रोल होता है, वो ऐसे बदलावों को कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं? क्या आप अपने करियर की कुछ प्रमुख उपलब्धियों को बता पाएंगी कि आपने एक महिला के तौर पर अपने क्षेत्र में क्या कुछ हासिल किया? आप कई क्षेत्रों में चैंपियन हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। उपलब्धियां बताना हमेशा ही एक चुनौती होता है। आप वो काम करते रहते हैं जिसे लेकर आपको जुनून होता है और फिर जो भी नतीजा निकले, जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे पास बहुत ही चुनौती भरे रिसर्च प्रोजेक्ट पहले दिन से ही रहे। जैसे कि मैंने सोयाबीन के क्षेत्र में काम किया, ये एक ऐसी फसल थी क्योंकि अमेरिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल थी, लेकिन प्लांट रीजनरेशन सिस्टम कायम नहीं हुए थे। इसके लिए कई टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय होनी थी और ये एक बड़ी बाधा थी। मैंने इस प्रोजेक्ट पर शुरुआत की और फिर मुझे अपने एडवाइजर से बड़ी बड़ी मदद मिली, हम इस क्षेत्र में पहली बार कामयाब हो पाए। लेकिन जब मैं बड़ी उपलब्धियों के बारे में सोचती हूँ, बीटी ब्रिंजॉल को विकसित करने के बारे में, इस प्रोडक्ट को महीको में डेवलप किया गया था छोटे किसानों के लिए, और एक और फसल थी जिसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था भारत से बाहर, और इसे विकसित करने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन
निराशा हुई कि परमिशन ना मिलने के कारण वो खेतों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि हम कैसे एक फाइनेंशियल इंसेंटिव पैदा कर सकते हैं छोटे किसानों के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जरिए, सस्टेनेबिलिटी यानी वहनीयता से उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये सिर्फ आपके और मेरे लिए ही अच्छी नहीं है, बल्कि ये किसानों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इससे उनको, किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलता है, उनको सस्टेनेबल प्रोड्यूस के लिए प्रीमियम मिलता है, और इससे और महिलाओं की तकलीफें कम होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उषा। आपने एक ऐसे क्षेत्र में काम किया है जिसमें पुरुषों का दबदबा था, तो आप किस तरह की सलाह युवा महिलाओं को देना चाहेंगी जो जो उन क्षेत्रों में आगे आना चाहती हैं जिन पर पुरुषों का दबदबा रहा है, ताकि उनमें और ज्यादा महिलाएं आ सकें, तो उनके लिए, ऐसी युवा महिलाओं के लिए आपकी क्या सलाह है जिससे इन क्षेत्रों पर बड़ा असर पड़ सके? कंपनी के अंदर एक डाइकोटमी है, जब मैं महिलाओं और पुरुषों के मिक्सचर को बायोटेक्नोलॉजी स्पेस में देखती हूँ, तो उसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं, और जब मैं प्लांट वाले एरिया को देखती हूँ तो वहाँ 99% पुरुष हैं, 1% ही महिलाएं हैं जो साइंटिस्ट इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण कल्चरल एलिमेंट है जो खास तौर पर भारतीय परिवेश में मायने रखता है। परिवार ये नहीं चाहते कि उनकी बेटियां और महिलाएं खेतों में काम करें, इसके दूसरे हिस्से के बारे में बात करना चाहती थी, ये है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, यानी राजनीतिक माहौल, सुविधा देने वाला माहौल। बायोटेक्नोलॉजी में अभी महिलाओं का दबदबा है, लेकिन हमने आगे आने वाली महिलाओं की संख्या में काफी कमी देखी है, और उसकी वजह यह है कि रेगुलेटरी माहौल ऐसा नहीं है जो उन्हें आगे आने देने के लिए प्रेरित करे। परिवार अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन हम जिस माहौल में काम करते हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन साथ ही जॉब्स के लिए मौके भी हैं, और जॉब्स तभी आएंगे जब उनके साथ कमर्शियल एक्टिविटीज जुड़ी होंगी। हम काफी इंटर्न्स को लेते हैं, और मुझे और ज्यादा महिलाएं नजर आने लगी हैं जो मार्केटिंग स्पेस में भी ज्वाइन करने लगी हैं जहां पहले पुरुष ही होते थे। ये तो बड़ा उत्साहवर्धक है, महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है, तो युवा महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, उनके लिए माहौल ज्यादा स्वागत वाला होना चाहिए, स्वागत भरा होना चाहिए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको एक महिला के तौर पर कुछ ऐसी बाधाएं झेलनी पड़ी अपने प्रोफेशनल करियर में, और आपने इनका समाधान कैसे निकाला? क्या आप कोई ऐसी खास सलाह देना चाहेंगी? मैं आपके साथ जो मिसाल बांट रहे हैं, शेयर कर रही हूँ, मैंने आपको स्ट्रेटेजी मीट का उदाहरण दिया था, being a woman asking
the question. मैं एक महिला हूं और मैं सवाल पूछती हूं. मैंने उस मसले को जिस तरह हैंडल किया था कौमा, पता नहीं वो सही था या नहीं, पर मैंने इस बारे में अपने एक और टीम मेंबर से बात की कि वो बाकी डिस्कशन को लीड करें. मुझे लगता है आज मुझे लगता है कि शायद ये मेरा फैसला सही था. How best to address the challenges, but ये जानना बहुत मुश्किल है कि चुनौतियों का सामना बहुत अच्छे ढंग से कैसे किया जाए. लेकिन मैंने एक और चुनौती का भी सामना किया था. ये भी पुरुषों के आधिपत्य वाले समाज में था और ये प्रोफेशन भी पुरुषों की आधिपत्य डोमिनेंस वाला था. आप कहीं जाते हैं, आप बातचीत शुरू करते हैं और पुरुष आपकी अनदेखी करते हैं. हालांकि अब ये रुझान कम होता जा रहा है, लेकिन इसकी एक मिसाल है. मिसाल के लिए सीड एसोसिएशन की बैठकें होती थी, उनमें आज भी ज्यादातर पुरुष होते हैं. लेकिन जब मैंने पहली बार इसे अटेंड किया था तो 1000 पुरुषों में से सिर्फ 3 महिलाएं थीं. तो जब आप वहां जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, ओ आपके पति कहाँ काम करते हैं? पहला सवाल यही होता है. आप कहते हैं कि मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने आई हूँ और मेरे पति टूर पर गए. But these are still things in agriculture. पर मुझे लगता है कि ये कृषि के साथ अब भी पूर्वाग्रह जुड़े हुए हैं. हालांकि धीरे धीरे ये बाधाएं अब खत्म हो रही हैं. ये आपने बिल्कुल सही कहा, पूर्वाग्रह अभी मौजूद हैं. हो सकता है कि एक से दूसरे समाज में इनमें अंतर हो, लेकिन ये हैं और हमें इन बाधाओं को दूर करना होगा. इससे एक और जुड़ा एक और सवाल पूछूंगी. आपके हिसाब से जेंडर इक्वालिटी हासिल और विमेन एम्पावरमेंट हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? जेंडर इक्वालिटी को हासिल करने के सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अगर ये संख्या 50-50 हो जाए तो बेहतर होगा, लेकिन अभी इसमें देर टाइम लगेगा. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मेंटर्स और सपोर्टर्स जो मिसाल बनाते हैं. मैं डॉक्टर स्वामीनाथन की हमेशा आभारी रहूंगी. बतौर एक युवा वैज्ञानिक उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम फला आदमी से बात कर सकती हो. कौमा तो मैंने कहा मैं बहुत नर्वस महसूस करती हूँ, मैं भला ये कैसे कर सकती हूँ. यही मामला मेरे एडवाइजर का था. वहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास दिया जाता है. वो उन्हें पुश करते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें. तो इस तरह के मेंटर वाले मोमेंटम बहुत ही जरूरी होते हैं, तभी जेंडर इक्वालिटी या लिंग समानता हो सकती है. आपने ये बहुत अच्छा संदेश दिया है. हमारे यहाँ एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें इसी दिशा पर जोर दिया जाता है. मेंटरशिप से
हमारे हमारी विचार प्रक्रिया में काफी फर्क आ सकता है, बेहतरी आ सकती है। अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी, आपके भविष्य की योजना क्या है? क्या आप महिला सशक्तिकरण के इस कॉज को चैंपियन करती रहेंगी? भविष्य की योजनाएं बताइए। सच कहूं, Accept my honesty in this case. I've never really done anything specific. सच कहूं तो मैंने खास जेंडर इक्विटी के बारे को ध्यान में रखकर या बैलेंस को ध्यान में रखकर खास तौर पर कुछ नहीं किया। जब हम हायरिंग करते हैं तो मैं ज्यादा महिलाओं की एप्लीकेशंस को बढ़ावा देती हूं कि हमें सही और क्वालिफाइड कैंडिडेट मिले। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं क्योंकि एक महिला थी और एक विकासशील देश से थी, तो मुझे वो मौके मिले जो दूसरों को नहीं मिले। और मुझे कुछ हद तक ये भी महसूस हुआ कि ये मेरे लिए फायदेमंद था, लेकिन ये चीज ठीक नहीं थी। हमेशा यही कहा जाता है कि सबसे अच्छे क्वालिफाइड इंसान को चुना जाए, बजाय इसके कि इसमें पुरुष या महिला का ध्यान रखा जाए। पिछले 15 से ज्यादा वर्षों में हम बड़ी मेहनत करते रहे कि कैसे और ज्यादा महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में लाएं। आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि खेती में महिलाएं सबसे बड़ी लेबर फोर्स होती हैं। इसलिए प्रोफेशनल्स और श्रमिकों के बीच की खाई बहुत बड़ी है। जब हम महिलाओं की प्रतिभागिता की बात करते हैं, तो सवाल यह है कि कंपनी में महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ाएं जो कृषि में काम करती हों। इसके अलावा हम किस तरह की टेक्नोलॉजी पर फोकस करें, जैसे कि राइस इकोसिस्टम। अगर हम ट्रांसप्लांटेड राइस से डायरेक्ट सीडेड राइस पर जाते हैं तो क्या होता है? इसके अलावा महिलाओं की यूट्रस का स्वास्थ्य भी बहुत महत्व रखता है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को कैसे चुने जिनका फोकस महिलाओं पर हो, जिससे महिलाएं और ज्यादा उत्पादक और सेहतमंद हो सकें। कई बार मैं ये महसूस करती हूँ कि मैंने अभी पर्याप्त काम नहीं किया है, और मैं सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा और क्या करूँ ताकि महिलाएं खेती में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। उषा जी, ये तो हम सभी महिलाओं की एक सोच होती है कि हम पर्याप्त नहीं कर रही हैं जितना हमें करना चाहिए, पर आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। आपने इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए उदाहरण कायम किए हैं। आपके प्रेरक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं था, नहीं तो आपसे और ज्यादा चर्चा होती। आपके वर्ड्स ऑफ विजडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने रोज के जीवन में उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा। उषा जी और अपर्णा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये दिलचस्प वार्तालाप किया। अब हम ऑडियंस से कहेंगे कि वे सवाल पूछें। आप अपने हाथ उठा सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइडो के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है उषा जी के लिए। It's been disheartening to see a lack of enough women candidates in science
साइंस में महिलाओं की संख्या कम देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसको बदलने की जरूरत है, इस हायरिंग के तरीके को बदलने की जरूरत है? ये काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो महिलाएं अलग अलग विषयों में या कृषि में डिग्री लेती हैं, वो पुरुषों के मुकाबले कम है। तो महिलाओं को कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे लाया जाए? Some of the challenges which are faced by women, and one of the, of course, the most common challenge which I had also. महिलाएं यूं तो कई चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन मेरे सामने भी एक चुनौती आई थी कि मैं पार्ट टाइम काम करती थी, फिर मैंने फुल टाइम काम शुरू किया। Need to मुझे लगता है कि कंपनियों और संस्थानों को ऐसी जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम और ज्यादा महिला उम्मीदवारों को हायर करते हैं। अगर हम सही नीतियां अपनाते हैं तो और ज्यादा महिलाएं आगे आएंगी उपयुक्त पदों के लिए। I'm curious if you could speak to any unique challenges you may have faced or overcome due to cultural or social. क्या आप ऐसी किसी चुनौती के बारे में बताएंगी जो भारत से जुड़े हों? So I really can't think of मुझे specific ऐसी कोई विशेष चुनौती याद नहीं आ रही है। पर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए आमतौर पर जो चुनौती रही वो थी दूरदराज जगहों तक सफर करना, खेतों तक। इससे कभी कभी मुझे परेशानी होती थी, और लेकिन मेरे परिवार को इससे ज्यादा परेशानी होती थी, सुरक्षा के नजरिए से भी और कनेक्टिविटी के नजरिए से भी। तो मैंने इसका सामना इस तरीके से किया कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ सफर करती थी, जो कि हमेशा संभव नहीं होता है, संख्या से सुरक्षा मिलती है, और इसने मेरे लिए काम किया। धन्यवाद। क्या आप खुद भी मेंटोर रही हैं, और क्या आप मेंटरिंग के लिए समय देना चाहेंगी? बीते वर्षों के दौरान मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर करती रही हूं, प्रोफेशनल्स को की मेंटरिंग करती रही हूं, जो मेरे इसके लिए समय निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। मैं इस सिलसिले में बहुत कुछ करना चाहती हूं, लेकिन काम की शर्तें पहले ही 200% होती हैं, तो ज्यादा समय नहीं मिलता। इसका एक उदाहरण यह है कि आप हर हफ्ते मीटअप करें, आप चुनौतियों के बारे में बात करें, क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करें। तो मुझे लगता है कि मेंटोरशिप के बारे में मैं एक महीने में 2 बार से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। हर हफ्ते हम मीटअप करें, महिलाएं मिलें, अपने निजी जीवन के बारे में बात करें, प्रोफेशनल जीवन के बारे में नहीं। हम 1 घंटे के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम विमेन साइंटिस्ट को कैसे बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं?
back to the point of mentors slash मैं फिर mentors slash colleagues के बारे में बात करना चाहूंगी. जब मैं अपने सलाहकारों कॉमा टेक कॉलीग्स एक पुरुष एक महिला के बारे में सोचती हूँ जो मेरे दोनों ओर बैठा करते थे टेक मीटिंग्स में, उन लोगों को मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव था. वो मेंटरिंग तो मुझे कर ही रहे थे, लेकिन लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था. वो समान अवसर देना चाहते थे और इससे आप आगे बढ़ते हैं. मुझे ये खास फायदा अपने साथियों से मिला. हमारे पुरुष साथियों के बीच जो सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी थी उसका वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. उन्हें ये वो अगर ये समझें कि हम हमारी क्या ज़रूरतें हैं, ये छोटी छोटी बातें सेंसिटिविटीज बहुत अहमियत रखती. इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया. Ladder, whether as a scientist or a manager or as a manager. आपको बतौर साइंटिस्ट या बतौर मैनेजर कौन सा क्षेत्र बेहतर लगा? मैं इसका एक अनोखा उदाहरण हूँ. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करती हूँ जिसकी शुरुआत मेरे पिताजी ने की थी. तो कुछ कह सकते हैं कि मेरा रास्ता तो पहले से ही आसान था. मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दरवाजा तो बेशक खुला था, लेकिन असली अहमियत इस बात की है कि आप क्या उपलब्धि हासिल करते हैं. आप उस अवसर का क्या लाभ उठाते हैं, कैसे लाभ उठाते हैं, असली महत्व इसका है. मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी जो चैट बॉक्स में आया डॉक्टर प्रसन्ना का. उषा जी, आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा. मुझे आपके पिताजी की याद है और आपने बहुत अच्छा काम किया है. आपने सिस्टम इनोवेशंस में बहुत कमाल का काम किया है और आप बहुत प्रेरणा देती हैं. ये बहुत अच्छा कमेंट है. एक सवाल और है. वैज्ञानिक किसी भी उम्र या किसी जेंडर के हों, मैं आप एक उदाहरण आपको सुनाती हूं जो जीवन से जुड़े मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है. जब मैंने सोयाबीन रीजनरेशन प्रोजेक्ट पर इलिनॉय यूनिवर्सिटी में काम शुरू किया, तो शायद मेरा दूसरा सेमेस्टर था. तो वहाँ एक डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी मेंबर थे. एक दिन हम आपस में मिले तो उन्होंने मुझे रोका और पूछा कि मैं किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. मैंने उन्हें बताया कि मैं सोयाबीन रीजनरेशन पर काम कर रही हूँ. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि तुम्हें कैसे लगता है कि ये काम हो जाएगा. ये कमेंट था जो उन्होंने मुझसे कहा था. मैंने अभी रिसर्च वर्क शुरू ही किया था, तो मैंने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, अब हम और बहुत से प्रयोग करेंगे. पर मेरे लिए ये एक सबक था. मुझे आज भी वो उनका तरीका याद है कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कामयाब हो पाओगी, क्योंकि 20 साल से कोई भी ये काम नहीं कर पाया है.
मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैंने विश्वास रखा और अपने एडवाइजर्स पर यकीन किया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो अपने अंदर आत्मविश्वास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इतने वर्षों के दौरान इस चीज ने मुझे बहुत सपोर्ट की। देखिए, साइंस एक एक्सपेरिमेंट है। कुछ प्रयोग सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, लेकिन अगर उनमें से 10% भी सफल हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तरक्की कही जाएगी। तो मेरी सोच और अप्रोच तो यही थी। धन्यवाद। क्या लड़कियों को, महिलाओं को इस साइंस में लाना ज्यादा जरूरी है या फिर समाज के प्रयास ज्यादा जरूरी हैं? आप इस बारे में कोई सलाह देना चाहें तो? मुझे नहीं लगता कि कोई एक संगठन ये सब कर सकती है। हम सबको मिलकर देखना चाहिए कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमें मिलकर करना चाहिए। महिकों में विमेन प्लांटियर्स नहीं नजर आते। इसका मतलब यह है कि प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम में और ज्यादा स्टूडेंट्स को आना चाहिए, महिलाओं को भी इससे और महिलाओं को इससे जुड़ना चाहिए और बहुत से स्टूडेंट्स आए जो प्लांट ब्रीडिंग के काम में लगे। यूनिवर्सिटीज को आगे आना चाहिए, उन्हें स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम सभी को अपना अपना योगदान देना चाहिए कि और ज्यादा महिलाएं कृषि में प्रतिभागी हों। कृषि बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है, इसमें बड़ी विविधता है, लेकिन लोग खेती को एक मुसीबत, एक मेहनत समझते हैं। लेकिन हमें ये सोच लोगों के दिमाग से निकालना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी, नई खोजें कैसे किसानों की जिंदगी बदल सकती हैं इन प्रयासों से। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आपकी ये टॉक बहुत ही प्रेरक थी। आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अनुभव लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। आपने अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। अब हम आज की इवेंट को क्लोज कर रहे हैं। अब हमारा अगला वेबिनार 21 नवंबर को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। I'm a field scientist. I have studied agriculture science. मैं एक फील्ड साइंटिस्ट हूँ। मैं एग्रीकल्चर साइंस स्टडी करती हूँ। एग्रीकल्चर इनोवेशन मॉडल मैं एक फील्ड साइंटिस्ट हूँ। मैंने अपने बरस टेस्टिंग इवेल्यूएशन में लगाए हैं, पार्टनरशिप्स में लगाए हैं, ताकि ताकि रिसर्च, साइंस, इनोवेशन वगैरह छोटे किसानों तक पहुंच सकें। मैंने कम्युनिटी के साथ बड़ी गहराई से काम किया है, महिलाओं के साथ, ग्रामीण युवकों के साथ काम किया है, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि उनकी उनकी चॉइस, उनकी आवाज आगे तक पहुंचे।